नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। प्रत्येक सुहागिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं और इस कामना से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है और इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत की तैयारियों में बाजार में रौनक अब बढ़ गई है। कपड़े, गहने, सौंदर्य प्रसाशन और पूजन सामग्री की खरीदारी तेज हो गई है। इस व्रत में ब्यूटी पार्लर और मेहंदी लगाने वालों की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। कपड़े के व्यापारियों ने बताया कि करवा चौथ का असर बाजार पर पड़ रहा है और अचानक ग्राहक बढ़ गए हैं। इस व्रत में सुहागिनों ने अपने सुहाग को घर बुलाया तो कुछ ने अपने पतियों के पास जाकर व्रत मनाने की तैयारी की है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस व्रत में सुहागिन दिन भर पानी नहीं ग्रहण करती हैं और ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन चंद्र देवता और करवा का पूजन किया जाता है और हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। उन्होंने आप बताया कि हिंदी पंचांग के मुताबिक इस साल ये तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:31 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 नवंबर को रात 9:19 पर होगा। अब ऐसे में इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक का है और व्रत की अवधि 13 घंटे 82 मिनट का है। 8:15 रात को रात चंद्र दर्शन के योग है और ये अलग अलग शहरों में और स्थानों पर अलग अलग वक्त पे हो सकता है। अब जानते हैं करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। तो करवा चौथ के दिन 1 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है और इस दौरान पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। बिना व्रत कथा कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन करें और फिर व्रत का पारण करें। बात करते हैं करवा चौथ के महत्व के बारे में। तो करवा चौथ को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कहानियां समाज में प्रचलित है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत कर अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना करती हैं। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसके प्रभाव से मनोकामना पूरी होती है। साथ ही करवा चौथ का व्रत रखने से करवा चौथ मैया घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का भी आशीर्वाद देती हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे रखते हैं करवा चौथ का व्रत। तो करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद मंदिर की साफ सफाई कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। करवा चौथ निर्जला व्रत का संकल्प लें और इस पावन दिन पर शिव परिवार का विधिवत पूजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर माता पार्वती की, भगवान शिव और फिर भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन के बाद पति को चलनी से देखें और आरती उतारें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत की तैयारी कर रहे हैं और ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद अहम होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।